सुनहली आवाज के मालिक का वन एंड ओनली मशहूर गायक हरिहरन नमस्कार हरिहरन जी जी एक बात मैं ये समझना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत एज ए क्लासिकल सिंगर हुई है और अब जो आप गा रहे हैं वो तो बिल्कुल क्लासिकल से बहुत दूर है <laughs> ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि जो मेरे रूट्स हैं बुनियाद है जी वो तो क्लासिकल है क्योंकि माए

आ uh, फैमिली yeah. हम दो टाइप की म्यूजिक मानते हैं yes. दुनिया में गुड एंड बैड वी लाइक द गुड म्यूजिक लाइक गुड सिनेमा एंड बैड सिनेमा ओके राइट नो आर्ट सिनेमा तो उसके बाद मैं गजल की तरफ मैं आ गया था uh, मेहदी साहब को सुनने के बाद बहुत इंस्पायर हुआ उनसे मुतासर हुआ hmm. और प्लेबैक um, सिंगिंग भी

क्षम था मोमेंट था जी जब आपने डिसाइड किया कि मैं केवल क्लासिकल ही नहीं लेकिन और भी अलग अलग तरह के संगीत को ऐसा है।, है कि सी मेरा जो ग्राउंडिंग है क्लासिकल म्यूजिक है बट आई डेंट प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज ए क्लासिकल वट इ कॉल इट परफॉर्मिंग आर्टिस्ट राइट तो मेरी शुरुआत जो है आई आई केम ऑन द सीन एज अ प्ले बैक सिंगर फिल्म गमन Ah, 1977. Yes, yes, I know. Ajeeb that was Saneha. your first song. First song. What was do you, do you remember that song now? Yeah, of course. 15 years back. Ajeeb Saneha Muchpar guzar gaya yaro, main apne se kal raat dargya yaro. That had a flavor of uh, a ghazal actually. In it. Yeah, it, it's a ghazal basically. Hmm. Toh, so, so uh, the switchover was like I was introduced as a playback singer, and my switchover was becoming a ghazal singer. But who gave you that break?

तीनों को हम वी गो दर्ड्स आपने कौन सा गाया गया उसमें गाने uh, <clears throat> दो गाने गाए हमने uh, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई अच्छा ये तो मतलब दूसरा एक फिल्म गाना गाया आपने गाया हां नॉट एनी नहीं आपको नहीं आपको अपनी कंपोजिशन की बात नहीं नहीं, नहीं नहीं बात ही नहीं बिकॉज़ यू हैड टू सिंग अ फिल्मी सॉन्ग अच्छा तो वो गाया और फिर झनक झनक तोरे बाजे पाए दोनों मनाता का गाना दोनों बनादे गाने <laughs> कुछ उसकी झलकी हमें बताइए किस तरह से आपने बनादा को इमिटेट किया नहीं इमिटेट तो नहीं किया नहीं किया <laughs> <laughs> मैं तो नहीं कर सकता हूं। तो हाँ। जिस तरह से मुझे मतलब याद था वो अच्छा अच्छा मगर आपने उनके गाने क्यों चुने? मुझे पसंद था <laughs> नहीं उसके क्लासिकल फ्लेवर को देखा हाँ जी 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 अच्छा अच्छा तो बिगनिंग I, I used to sing all kinds of music, like in my college. I used to sing even uh, this that um, very famous song, "Freedom, Freedom" from Woodstock, okay. Richie Havens. Yeah, yeah. And uh, being from Bosco, Don Bosco, I have had a background of mm -hmm. Beatles and ABBA and things okay, like that. Yeah. Okay. So I've been and So uh, we mm -hmm. there's a lot of cosmopolitan culture in us. And it's not that only thing, हम सिर्फ क्लासिकली uh, सुनते थे या फर्स्ट सॉन्ग यू सैंग एंड आई रिमेंबर थिंकिंग दिस वेरी ऑनेस्टली उस वक्त जब मैंने आपका वो गाना सुना तो मुझे लगा कि इतनी बढ़िया आवाज लेकिन बहुत मुश्किलों का, साम, का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह की आवाज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में शायद इतनी आसानी से समा नहीं जाएगी हाँ uh, क्योंकि एनीथिंग ओरिजिनल जी वो एस्टैब्लिश होने के लिए मुश्किल बात है नहीं एक आपकी आवाज में एक गहराई और एक संजीदापन तो आई फेल्ट दैट द एंटरटेनमेंट वैल्यू विच फिल्म पीपल आर लुकिंग फॉर और दी काइंड ऑफ स्टेज परफॉर्मेंस नीड दैट काइंड ऑफ थिंग Maybe that is going to take time to establish. May, yeah, obviously, because may, it took me a long time. Now, but you tell me. I want you to answer that <laughs> question in the sense that do you think temperamentally you are really geared for this world of entertainment? I am absolutely geared for it because at the moment I am singing in films in most of the big films in the in the north as well as the south. Yeah, and I'm doing my guzzles. Hmm. God's is doing very well. Yes. Gulfam, Paigam, yeah. um, coming, Karar has just come out, hmm. coming out of the double album with uh, Venus. Hmm. And uh, before Gulfam was Hazir, which I did with uh, Ustad uh, Zakir Hussain, Jip. and uh, that did extremely well. Hmm. And then you uh, have Colonial cousins. <laughs> <yes>. Cousins. <laughs> We're going to come to that. We're going to come to that. But I am tracing the uh, the development. Let me t ask you this: that.

साउथ इंडियन म्यूजिक कहीं मैंने पढ़ा है कि आपने कर्नाटक म्यूजिक को पहले उसको भूलना पड़ा उसके बाद हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल को गा पाए हाँ, क्योंकि उसका जो जिस तरह से आप सुर लगाते हैं जी टोन हाँ, तो वॉइस टोन इट इस तो इस चीज को जरा हमारे ऑडियंस को जरा समझाएं कि कर्नाटक शैली में किस तरह से गाया जाता है जैसे कि अभी एक एक इंसिडेंस बताता हूँ जी मैं गुलाम स्वा खास साहब मतलब सीखने सीखना शुरू किया मैंने तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा सा लगाओ सा 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 जी सा, तो बोले सा क्यों कर रहे हो uh, सा, uh, अच्छा. सा, सा।, uh, सा, uh. सा अच्छा क्योंकि इन कर्नाटिकल से सर गाने एंड यू हैव अनदर श्रुति कमिंग विथ इ सर ग पद ने सर सा ने hmm. सा जिस तरह से आप सुर लगाते हैं इसमें बहुत ही अलग है तो व्हाट इज द डिफरेंस यू वर्ट इन द नॉर्थ इंडियन स्टाइल स सर मगरे प सरे रामा पे सरे राम सर सो दिस दिस बेसिक डिफरेंस इट टूक बी अ लॉन्ग टाइम टू ओवरकम इन द टोनल क्वालिटी एंड बट वो रियाज से हो जाता है जी सो इन अ वे आई हैड टू अनलर्न स्टे अवे फ्रॉम कर्नाटिक म्यूजिक राइट एंड बट नाउ इट्स इट्स ऑल इट हैज़ ऑलवेज बीन विथ मी और कभी ना कभी वो सामने आ जाती है विच इज योर मोस्ट मेमोरेबल गजल एंड वाई मोस्ट मेमोरेबल गजल हो टफ बात है समथिंग विच यू एंजॉयड सिंगिंग बिकॉज ऑफ द चैलेंज मे बी Yeah, there's there's one ghazal which we did in uh, Hazir. Yeah. It's it's a very difficult uh, composition and uh, Zakir was playing with me. And mm. It's called Dard Ke Rishte, and I really enjoyed doing that. And, and uh, it it was very difficult composition, but uh, in the recording, mm. the vibe was so good. The first take was okay. Oh. <laughs> yeah. <laughs> but can you explain what was tough about it? Uh, combinations of.

was not fixed. I mean my, my uh, style is based on improvisations. maybe some other day in a better mood or in a different mood I would sing that ghazal for 15 minutes. Oh I see. So it needs all my khayal, uh, what do you call it, riyas uh, and things along, it comes mm. forth. Mm, mm. Because if you have to Create something new phrases on uh, in a scale, yeah. then you should have the input within you, then the output comes. Uh, but then, from that point of view, performing live with an audience Yes. is then more satisfying for a singer such as yourself. Uh, yes, um, it, it's, it's if you get a good audience, it's fantastic. Like. But I have two sides to me I mean, I'm also a studio singer. रिकॉर्ड hmm. तो मतलब कर लिया वो तो फिर फिक्स हो गया, और गया. अगर आप एक मगर है ना फिक्स कला कभी कभी क्या होता है की वो गाते गाते वेरिएशन मे बी इट इल चेंज द नेक्स्ट तो अब हम आते हैं कि आजकल तो आपकी चर्चा सभी जबान पे है और सभी कानों पे भी है आपके नए एल्बम कॉलोनियल क्स के कारण मगर जब मैंने भी जब उसको पहली बार सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ कि पहली बार हमारे देश में किसी ने शास्त्रीय संगीत को एक इंटरनेशनल म्यूजिकल एलिमेंट के साथ फ्यूजन किया है तो हमारा यही मकसद था कि मेन स्ट्रीम पॉप करें फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस मगर उसके अंदर जो सोल है रूह जो है वो इंडियन रहे अच्छा द साउंड बेसिक साउंड द बेसिक इमोशन वेरी इंडियन बट यू हैव वर्क लेस बिफोर इज मीन वी हैव वर्क He's been a he's been a produce a producer all the all the years, mm. and he um, produces jingles. And yeah. I have been singing jingles for him. That was your staple at one time, was it? Absolutely. But do you still do I, it? I do it. I enjoy it. Yes, because a 30 second uh, singing mm. and getting all the feelings into it yeah. is a different ball game altogether. <laughs> do you remember an interesting jingle that you have sung for an ad film? Yeah, Colgate Gel LNT. Gotcha. Okay, uh -huh. so how did it go? I, I don't remember. <laughs> <my brother. laughs> and then raga and lot of lot of stuff. What is raga? Raga is what? Raga is a product. Acha. So. And, uh, palm of Acha. Yeah. So that's where you met uh, Les first? That's right. That's right. Yeah. And uh, that was ninety two. Acha. To, coming to how colonial was formed, you know. We were sitting. Maaf, These colonial cousins, jo hai,

सोचिए कि अभी शूटिंग नहीं है yeah. आप स्क्रिप्ट के लिए वेट कर रहे हैं आर राइटिंग वी नो वॉट टू डू सो लेस पिक्स ले गिटार एंड स्टार्ट प्लेइंग सिंगिंग विद हिम ऐसे मतलब यू नो वेन देर इज अर यू स्टार्ट जैमिंग स्टार्ट चेंजिंग स्केल्स आई स्टार्ट फॉलोइंग स्केट फॉलोइंग एंड वी है आठ-दस लोग थे, जैसे uh -huh. हमारे सामने क्रू है यहाँ पे सब okay. बैठ गए, uh -huh. काम-आम छोड़ के वे okay. listening to us और okay. we didn't realize it basically एंड आधे घंटे के बाद when the phone rang we looked at each other I said hey it's a we nice we sound, sound some, yeah. yeah we're doing uh -huh. something very interesting hmm. and um, we can do I mean हमने क्या realize किया कि the the musical concept or the aesthetic concept hmm. we had a lot of A lot in common, achoo, achoo. without knowing it all these years, hmm, hmm. and we felt that uh, we could really work uh, as a band. And I presume colonial is the heritage you're referring to, is it? Yes, coloni colonial. And it happened uh, again by chance. I was having lunch with a friend of mine in London. Yeah. So he said, uh, "Hurry, you know what? I refer myself to my friends here, the hmm. Brits." Hmm. I said, "What? Colonial cousin."

किस तरह से आपने इसको डेवलप किया जैसे कि देखिए अब ये कृष्णा नी बेगन एक बात इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल सॉन्ग कनाडा इन कनाडा कृष्णा द पोएट विशुलाइज कृष्णा एज अ स्मॉल किड चाइल्ड दिस इज कम टू बॉन्ग इट्स लाइक इवन सेइंग दैट कृष्णा लॉर्ड कृष्णा कम एंड हेल्प अस ह्यूम सो दिस लाइन इज वेरी वेरी यू नो वेरी मेलॉटिक And had a lot of meaning. Hmm. And we started writing the song around this. Gotcha. Darkness coming round, and everybody's fighting with their brother. So who's writing? Les was writing. Okay. Yeah. I mean, we, we used to work with the ideas, but he's got the gift uh, with a pen, basically. Okay. Hmm. And he's been writing songs all his life. Right. So it was just every time we used to get a starting point and then we used to go at it. Yeah. पर आपका ये, इसका ये परफॉर्म आपने किया था लाइव किया था हाँ जी एम टीवी लंडन में लंदन yeah. में बट uh, एक मैंने uh, आप मुझे बताइए कि ऑडियंस की क्या रिएक्शन थी वहां पे ऑडियंस की ये रिएक्शन थी कि फर्स्ट टेन मिनट्स उनको पता नहीं चला क्या हो रहा है बिकॉज हाँ, मैंने सुना कि लोग वहां हंसने लगे नहीं हंसने नहीं लगे वो इट वॉज लाइक वॉट्स हैपनिंग ही सिंगिंग इंग इंग्लिश एंड सनली आई एम सिंग <laughs> what's this what's this Dani and what is it? <laughs> yeah. yeah. And then and after the one or two songs they got used to the sound. Because Acha. it is a shock valley basically. Mm -hmm. And uh, there were some kids who said, Hey, what's happening when Krishna Hare Ram Hare Krishna something like that? Uh -huh. We didn't hear about it. Okay. I mean I just read it in the press and uh, then I realized maybe it's uh, these the Indian kids, okay. some Indian kids. Okay. But I think that um, they really loved it because at least about 50, 60 people came after the concert, and said mm. can we get a CD of this? Okay. And uh, when I mean 50 to 60 people, there were some Asians, mm. a lot of blacks, mm. and uh, the, the crew members who were working, the producers, the uh,

अच्छा कि ये इसका पचास प्रतिशत ये, 50 ये, ये दिया है फिफ्टी परसेंट ये दिया इट इट हैज टू जस्ट डिसॉल्व हाँ इट हैज टू मेक वन कलर राइट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक या इसीलिए जब व्हेन आई सिंग इन इंग्लिश आल्सो आई सिंग द वे आई टॉक इन द सेंस देयर इज नो एक्सेंट टू इट या एंड इवन द न्यूएंसेस व्हिच आई हैव टेकन व्हेन आई सिंग इज अ लॉट ऑफ देम इज वेरी इंडियन Tell me now, tell me now।, tell me now. <laughs> <laughs> हमने ये देखा है कि वेस्टर्न ट्यून्स को लिफ्ट करके हमारे काफी हिंदी गाने भी बने हैं लेकिन ये अब आपने हिंदी गाने को लेके उसके ट्यून को लेके आपने उस पर अंग्रेजी लिरिक्स डाले एक, एक गाना है उसमें गाना एंड हाँ. हाँ. um, वो कौन सा Then you got stuck on this line. <laughs> <Better> line. <laughs> Tell me baby, do you really do you really want my lover to feel all right? Feel uh. all right. Well, I said, change it the uh, uh. And uh, I said, Less. This is Madhumati. I said, yeah. <laughs> and then you try to change it, nothing was seeming to work, you know, it is like this is it, you know. Yeah. So I said, Fine, accept it. it <laughs> <Yeah. laughs> be the way it is. <laughs> yes, yes, yes. Rather than, you know. Trying to change it for the sake of changing it and then compromising on uh, thing, right. yeah, right, right. But that is only one instance. Otherwise, yeah. it's been all original compositions. Yeah. Yeah. yeah, no. But I understand. I, s I like this idea of the fact that it has to just be natural and blend exactly, yeah. were. But what you are doing is you are blending whatever knowledge and experience that you have with absolutely, your background. Absolutely, absolutely. I mean, it's. I really s I feel that colonialist, uh, the whatever me and Les have learned in all our years, the experience, hmm. and also our backgrounds. Yeah. i mean, we've have, we have got quite different kind of backgrounds in us, hmm. and uh, i think it all came into play. now, do you see that this is going to another level of development or more of the same? it will. see, i mean, uh, this is a very new sound, hmm. because a lot of anr people, they loved it, even in the west. But they didn't know how to categorize it because there's no category, right? Because it doesn't fall into world music because it's in English, yeah. But it's not conventional mainstream pop, yeah, right? And uh, it's something different. So, your the appreciate it With God's grace, in night, yes. it's number one in all the charts. Uh, but uh, that is the city charts. Are any, any increase, anywhere yeah. in the country, I've not gone to villages and checked ah, it ne, out. But I, is is mein kya hai in a Colonial me, we have been very lucky that we've got an audience from six years to sixty. Achha. Yeah, I've I've seen kids uh, really loving it, and. Uh, आपको कहूंगा आपकी जो क्लासिकल जब संगीत आता है जी. और uh, मैं इतना ही चाह रहा हूँ कि आप अगर आप और इस तरह से गाए और बल्कि अगर आपने अंग्रेजी लव्ज बिल्कुल न भी इस्तेमाल करें तो मुझे तो कोई चिंता नहीं होगी लेकिन जी. अगर आप अपने क्लासिकल संगीत के साथ एक रिदम लगा दें तो मुझे लगता है कि जो आपकी ट्रेनिंग है और जो आपकी एक्सपीरियंस एज ए म्यूजिशियन है इट विल रिजल्ट इन समथिंग माइंड ब्लोइंग बिकॉज क्लासिकल म्यूजिक से तो हम बहुत ही प्रभावित रहे हैं जी। लेकिन आई थिंक दिस हैंड एन अदर डायमेंशन टू क्लासिकल म्यूजिक विच परहैप समन ओनली लाइक यू कैन डू विद योर ट्रेनिंग एंड योर एंड योर नॉलेज तो दैट इज नो डाउट बट एक प्रश्न मेरे ध्यान में आता है कि ये जो सफर आज तो आपकी शोहरत के दिन है तो जो आप सफर तय किया है आसान तो नहीं रहा होगा ये जो फिल्म इंडस्ट्री में जब आप आए और आपको गाना था जी खासतौर पे फिल्मों में जो सिलसिला है बड़ा क्लोज सर्किट है हाँ बहुत ही क्लोज सर्किट ये है बिल्कुल। <laughs> तो उसमें टू ब्रेक दैट सर्किट एंड टू एंटर इट ऐसा है कि देखिए मुझे ब्रेक तो मिल गया था थ्रू जयदेव जी गमन में गमन में लेकिन गमन के बाद हाँ, दो बड़े फिल्म, hmm. नहीं, तीन थ्री बिग फिल्म एक जयदेव जी के एक पंचम दा के एंड एक नौशाद साहब के आई इन ईच फिल्म आई संग अबाउट फाइव टू सिक्स सॉन्ग दॉट ऑफ वेराइटी एंड थिंग्स लाइक All the three songs, uh, three films got canned. Can you tell us which those three songs and films were? Um, um, I'll tell you one. Uh, the Noshat Saab's film was, it had Mithun and uh, Padmini Kulakure as uh, the star. That's it. And then um, Pancham Dhaka, it was, Amjad Bhai was the producer, Lambaye Chaurai. Okay. Okay? Uh -huh. And then Jaidevji Ka Dohat. Do Hasan was supposed to do that. आपने गाने गाया भी उसमें हाँ huh? <laughs> आपको uh, याद है कौन सा गाना गाया था उसके कुछ ट्यून्स याद है तो लॉट ऑफ सेट बैक बिकॉज एक बात है कि पूरी फिल्म जो मिलना है एक hmm. आर्टिस्ट को बहुत मुश्किल से मिलता है एंड अदरवाइज ऑल्सो एक यू कॉल इट स्लॉटिंग जैसा हो गया था हरियर हाँ क्लासिकल टाइप गाना गाता है या ग़ज़ल ग़ज़ल टाइप तो दे दे नेवर टुक मी सीरियसली एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट आई बीन हियर सिंस सेवेंटी सेवन आई नेवर गॉट्स Showcased as an artist or something, yeah. because maybe my style is different. And uh, and let us face it, there are two voices who have who has really ruled the film industry. That is Rafi Saab and Kishore. Yeah. Legends and great singers, mm. and uh, they were so good, and they have sung so many songs. There there was a period when the film industry, when I mean film industries, producers, music directors. And even some actors, mm. they could think only of these kind of voices. Yes, this kind of rendering. Mm. This song, fine. This is Rafi's style of song. It should be rendered this way. Okay, find a voice, get it recorded. Mm. I mean, I'm talking when there were no more. They you were. Know, like. So, there came uh, a great period for clones, and uh, there was one, one, one particular stage which I really. रिमेंबर एंड वन पर्टिकुलर कमेंट विच इज गोइंग अगर आपको प्लेबैक सिंगर बनना है तो आप क्लासिकल से दूर रहिए अच्छा आप कह रहे थे ये फिल्म इंडस्ट्री में ये माना जा रहा था कि हाँ एक एक स्टेज पे आके कहते थे कि क्लासिकल इज नॉट या मतलब क्लासिकल सीखने से अच्छी बात नहीं है फिल्म मतलब एक playback, गाने के लिए हाँ प्लेबैक सिंगिंग के लिए अच्छा तो ये बट आई थिंक आई आई डोंट एग्री टू इट एट ऑल क्योंकि क्या है ना कि जब गाने में आप आप गाना कोई भी गाना ले लीजिएगा आप द इमोशन कम्स विद द नोट सर गाइब्रेशन ऑफ एवरी नोट इज डिफरेंट इट गिवस यू पर्टिकुलर फीलिंग मतलब अगर मैं ओके नाउ यू रिएक्ट टू इट यू डोंट नो इट्स निखाद

You are acting. Yes. You are acting. Basically, you are singing for a character on the screen, hmm. larger than size, larger than life, I would say. नहीं, मैं इतना ही कहूँगा हाँ. कि आप में जो खूबी है, वो ये है कि आप अपने क्लासिकल संगीत को एक आम आदमी तक पहुँचा पाए हैं। जी नहीं 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 मैं मैं ये कि... नहीं है कि हर क्लासिकल सिंगर जो है वो आपका जो कर रहे हैं आप वो आपका कर सकता है नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना सीखना जो है था, संगीत था, वो क्लासिकल हो या वेस्टर्न हो या कुछ भी हो मगर सीखना जो है रियाज करना जो है वो बहुत जरूरी है वो तो बिल्कुल मैं सही मानूंगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लेबैक सिंगर बनने के लिए आप ख्याल सीखिए ये 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 नहीं कह रहा हूँ मैं यू लर्न म्यूजिक नोट्स क्या है कैश किस तरीके से उसको मतलब रियाज करना है यू हैव टू यू हैव टू वर्क इन मेकिंग योर वॉइस बट ट्रुथ मे बी दैट यू कैन बी ए गुड पॉप सिंगर इफ यू हैव क्लासिकल ट्रेनिंग बट इट इज नेसेसरी दैट यू शुड हैव क्लासिकल ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू बी ए गुड पॉप सिंगर दट राइट फाइन बाई एंड लार्ज करेक्ट दैट इज माई पीपल से मगर एक बात है एक बात है यू कैन सिंग ओनली टू द लेवल टू द एक्सटेंट यूर एजुकेटेड आई एग्री बीइंग फेमस एंड बींग एजुकेटेड सिंगर आर टू डिफरेंट ना अगर आप में फ्लेक्सीबिलिटी हो तो फिर आप तो वो फ्रॉम दैट एंड ऑफ द स्केल यू कैन टेक इट टू दैट एंड ऑफ द मेरा कहना ये है मेरा एडवाइस ये है आप नेचुरल टैलेंट्स तो बहुत जरूरी है जी अगर नेचुरल टैलेंट्स के साथ अगर आप सी, सीखे हुए हो कमाल हो जाता है है नहीं बट यही बात जो है फिल्मों में मेरे ख्याल से क्योंकि बहुत ही उसमें एक कमर्शियल एंगल होता है सो मच इज एट स्टेक कि वो आसानी से किसी को ब्रेक देने के लिए तैयार नहीं बहाने तो ढूंढते हैं बहाने ढूंढते हैं और Yeah, जो एक, yeah. एक चाल चल रही है राइट right. कोई सक्सेसफुल है पॉपुलर है लोग उसको चाहते हैं अभी अपना मगज तोड़े और किसी और को लाए और रिस्क ले खाम खा सही बात है अब आप कहीं से अब आपने प्रूव कर लिया अपने आप को तो फिर आपके भी बट एक बात है जी जब अगर कोई रिस्क नहीं लेगा तो देर विल बी नो डेवलपमेंट ना वही वही बात हो जाएगी देखिए वो क्या होना चाहिए और क्या होता है आपने भी सहा है यू हैव गॉन थ्रू एंड आई एम जस्ट वॉनिंग टू आस्क यू दिस आई मीन देर वॉज अ टाइम डिड यू थिंक That now uh, it's Haan, not because happen. in fact when things started happening in the film industry for mm -hmm. me mm -hmm. playback singing, I was totally away from film industry. Mm -hmm. uh, I used to sing for Javed ji, mm -hmm. then he passed away. And yeah. Pancham uh, mm -hmm. da sung liye Then I sang for Naushad sahab, mm -hmm. Salil da ke saath. she used to give me songs off and on. I mean, she used to encourage me. एंड uh, हालांकि उनके साथ उनके डायरेक्शन में दो-तीन गाना में किशोरदा के साथ भी गाया अच्छा तो बड़े बहुत मजा आया उनके साथ गा hmm. के हर सॉन्ग सॉन्ग्स फिर uh, शिवजी हरीजी जगह में वेरी गुड ब्रेक इन लम है अच्छा सॉन्ग्स क्लिकड बट कुछ हुआ नहीं उसके बाद हम्म hmm. दिस hmm. बहुत अच्छा है वाह क्या बात है यू नो ऐसे दाल बात है <laughs> 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 <laughs>

तो रेमन जी आये थे बम्बई में तो उनके लिए मैं एक एट फिल्म के लिए जुम गया था तब उन्होंने बताया की कलेक्शन रिफ्लेक्शन फॉर मी एंड सेव माई म्यूजिक एंड लिटरली ग्रोन ऑन लॉर्ड ऑफ माई गजल्स So I was, it was a pleasant surprise for me, mm, mm. and then he said that uh, this film I'm doing a film for Mani Ratnam. Uh, it's called Roja. Would you like to sing in it? Mm. I said, wow, why not? <laughs> it was <laughs> a very it was a बहुत no, but Did you actually expect him to call you? And he said next month. He was that. but uh, ah, well, next month next month. Yeah, I felt he I I felt he would call me because there was a lot of sincerity in. That's it. Yeah, that's it. He was not giving me a bull story or anything like that. Uh -huh. He was very, very. Number one, he doesn't talk. It. He talks very less. Yes. He's a very shy person. Hmm. And uh, when he talks, he really means, means what, what he, he talks. Says. Yeah, exactly. Right, right. So I really felt. Uh, and uh, the next month, I went and recorded. First, I sang in uh, Tamil. Hmm. Tamira, Tamira, Nali, Namnali. Yeah. And then, when the Hindi version was done, I sang one more song, the title song. ंग रोजा जानट क्लिक्ड इन अ वेरी बिग वे एंड लोगों को महसूस होने लगा कि दिस सिंगर हैज अ फ्रेशनेस अज ओन स्टाइल वॉट एवर वॉट एवर द वर्क इज इज डिफरेंट दैट आई कूड एस्टेब्लिश रोजा एंड देन इट वॉज लेट देट टाइम वेन यू फर्स्ट डिद रोजा इट वॉज अ तमिल सॉन्ग तो यू प्रॉब्लम वुड नॉट आई फेल्ट You, you I, मुझे पता है बिल्कुल। बिकॉज़ hmm. <laughs> ऐसे तो बहुत हो चुका है ना पहले भी <laughs> <laughs> जी जी। so, मैं बोला ठीक अच्छा है because been a fan of Mani, मैं, Mr. Mani और फिर मुझे महसूस हुआ कि लॉट ऑफ म्यूजिशिय मेड्रास म्यूजिक डायरेक्टर्स वो सारे मेरे गजल सुनते थे अच्छा सबके पास मेरे कैसेट्स हैं। दे ना दे फॉलोइंग म्यूजिक, म्यूजिक, सो न्यू वेलवर्स बल्कि वो मेरी भी एक तमन्ना पूरी हुई है कि आप आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत वर्ष पहले जब आपने हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए थे जब लता जी और मॉडल oh, जी पहली बार हाँ जी, हमारे जी, देश जी, में आए गोल्डन मॉर्टल मॉर्टल मैन ईयर ऑफ इंडियन साउंड को हम सेलिब्रेट कर रहे थे तो जब से मैंने वो आपकी आवाज तब से सुनी मुझे लगा कि आपको बिल्कुल एक ऊंचाई पे आना है मगर oh, yeah, बहुत वक्त लगा वक्त लगा <laughs> आपको भी लगा हम भी काम करते रहे जी जी चलिए इतफाक है कि हम दोनों फिर से अब मैंने सुना कि आपकी जो होने वाली बीवी थी वाइफ थी पहली बार उन्होंने आपको हमारे कार्यक्रम में देखा हाँ, दाढ़ी के साथ <laughs> नहीं और ये इतफाक की बात भी है क्योंकि आपने जो गाना गाया था वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे पहले गाना पहला गाना था, था हाँ, दे दे खुदा के नाम पे प्यार और वो उस गाने के जो जो कुछ कुछ बोल और जो उसकी जो तर्ज थी म्यूजिक जो था आई रिमेम्बर टॉकिंग टू राजपूर जी इन दोस्किंग हिम कि वो क्या आपने गाना सुना था एज अ चाइल्ड ही फिल्म और हमने फिर शाहपुर ईरानी साहब जिनके पिताजी अर्देश्वर ईरानी जी ने जो वो फिल्म बनाई थी थर्टी वन आलमारा तो उनसे पूछा कि एज अ चाइल्ड यू हेट हर्ड दिस बिंग रिकॉर्डेड क्या इंस्ट्रूमेंट थे किस तरह का उसमें संगीत था फिर उसको जो है आपने उसको गाया और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाया था So I'm very happy that that happened, but uh, I want in your own words to tell me what was the USP of Hariharan's voice? Your style of singing, what is it? Oh, you, USP? Okay. I, <laughs> I was advertising <laughs> jingles. <laughs> 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 Unique selling point. Uh, my feel, my rendering, and. Uh,

तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आ जा रे आ जा रे यू ही तड़पान तू मुझको जान रे जान रे इन आंखों में बस जा तू वाँ वाँ वाँ। मतलब एक कॉन्वर्सेशनल एलिमेंट जो है ना जी वो गाने में आ जाए

तेरे बिना मैं कैसे जीऊं एंड दैट्स वेयर ट्रेनिंग कम्स इन आल्सो तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तू ही रे तू ही रे वाह wow. जैसे समझा रहे हैं आप जी 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 सुरों से खेलते हैं एंड hmm. वर्ड्स के साथ मगर आपको आजादी मिली इस तरह से गाने की जी बिल्कुल मिली हाँ, तभी तो ये आप थैंक गॉड <laughs> <laughs> मगर कुछ वो जो गाने आपने दो तीन गाए थे हाँ जो फिल्में रिलीज नहीं हुई कुछ याद है आपको अभी कुछ कोशिश करता हूँ मैं बहुत साल पहले हाँ। मैं सुना भी नहीं बहुत एक है जयदीप जी का गाना था सोचो सोचो एक दिन ऐसा हो तो कैसा हो अरे वाह सोचो सोचो एक दिन ऐसा हो तो कैसा हो साथ में जो हम सफर तुम जैसा हो वाह वाह कितना खूबसूरत गाना वाकई इट वाज अ बिग हिट हाँ, क्या करें आपने उसकी पिक्चराइजेशन भी नहीं देखी नहीं देखी अरे बाबा वी शुड ट्राई एंड फाइंड इट व्हाट अबाउट नौशाद साहब सॉन्ग नौशाद साहब का एक फ्रॉम फिल्म लगमा आई थिंक लगमा टाइटल सॉन्ग है टाइटल सॉन्ग अच्छा दैट व्हिच आई रिमेंबर नो नगमा है मेरी जिंदगी नगमा है मेरी नगमा है मेरी जिंदगी नगमा है मेरी जिंदगी नगमा है इस टाइप गजल अंदाज में था एंड

उनके फेस पे ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं होता है लेकिन आवाज में लचक होती है आ, आप भी इस तरह से गाते हैं नहीं मैं थोड़ा मूव करता हूँ बहुत मूव करते मूव हाँ, करता भी <laughs> <laughs> देखे होंगे आप नहीं मैंने वीडियो नहीं देखा वीडियो नहीं देखा मुझे okay. वाले हैं उसमें अच्छा बॉडी शूके लंदन में जब आप कांसेप्ट देने गए थे तो एक हादसा हुआ था हाँ हुआ था हाँ जिस तरह से आप कह रहे हैं हाँ हुआ था ये तो अभी काफी दिन बीत गए हैं लेकिन सुना कि बिल्कुल आपकी जान भी खतरे में थी इट्स सेकंड लाइफ इट्स सेकंड लाइफ व्हाट हैपेंड um हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू आर हैविंग डिनर एट समबडीज हाउस या निजाम रब इन द हाउस Just some casual friend. And yeah, it, is, it was being at the wrong and uh, the right place at the wrong time. <laughs> <laughs> or the wrong place at the right time. Yeah, you can yeah, like. either way. <laughs> no, it was a friend of yours, or you didn't know the person friend, very well. Friend of mine, hmm. uh, and we had gone for dinner. Yes. And uh, three blacks broken in yes. into the place. And oh. uh, they broke in, meaning they rang the bell and then came. They, I think, they must have slipped the lock. Okay. Crack the lock huh. or maybe the, I don't know how they got in because hmm. we were in the dining room. Right. Then the only, the next uh, thing we could see was three black guys coming in, big hooded, big hooded, yeah. Oh they had hoods. Yes, you could yes. not see their faces. No, no, no. When you saw them you must have felt a chill in your heart. Absolutely. It is, it is, it is bad, yeah. So who was around? Just me, Les and a couple. And in that area, was uh, it a lonely area? No, it's okay. Kensington, one of the best areas in London. Okay. And it's a, it was a six-floor apartment. Okay. And uh, they they came and they had arms with them. Yeah, they had knives, they had uh, stun guns, okay, things like that, yeah. So there was any resistance or anything or what? There was no. I mean, the surprise element was such that yeah. it was we were on the floor before we knew it they dropped us on the floor and they were using those stun guns to What is a stun gun? It's it's, it's got a very horrible electric discharge. I see. It's like getting a shock, you know. Okay. It's basically kept uh, used to keep cattle herd the cattle. Okay. basically. And it's, it's very irritating. Irritating. And, I mean in the sense if, it, if they if they do that uh -huh. it burns your skin and you can't move your hand. Okay. You know, it paralyzes you. Right, right, right. So, so they then, kept doing that till you w went on the ground, and they kept you on the ground doing that. I see. So, what were your thoughts at that time? I don't know. <laughs> I was, I was just, I was. I mean, there was one moment when one of the guys said, "Hey, let's get over with it, man. Let's get them done with." Yeah. So what are they going to do with us? You know, it's, it is. Did you think at this moment, my family, or my children, or my parents, or me, what? Whether it was all worth it, everything? I'll tell you something. I, didn't, I, didn't, I couldn't think of anything. I was just waiting for what they are going to do. That's all was in my mind. I see. I had not gone to that plane where I was thinking, Kya hone wala and all that. Yeah. I mean, of anybody else. I because was just was in that situation. It was too immediate. Yes, it was too immediate. But that was for 40 minutes. My God. For 40 minutes, they ransacked and burgled the place. Yep. They wanted to get a safe the house, but there was no safe in the house. But they didn't want to beat you to find out where the safe was. They did. That's why they assaulted us. No? Okay. That's that's the reason. I mean, the owner of the house was in the ICU. In the intensive care unit. Yep. yep, yep. What happened to him? Uh, he had nearly broken jaw. He had gone unconscious. And you? I was not uh, unconscious, but I had. Uh, I mean, I took beatings in my ribs and my face, my left side. Ah. And Les? Les, he had a running nose. I mean, he was bleeding. bleeding. <laughs> yeah. And uh, he was—he uh, had two black eyes, actually. Oh, God. <laughs> and uh, suddenly they left us. No, no, they tied us up. Tied you to what? Uh, with ties and scarves and whatever. To the chair or to the table or yeah, whatever. Yeah, yeah. You know, Let's take your hand. Before first. they started or after they left? After they did. I see. And they put us in a room and went. And locked the room. I locked the room. And then there was a there was a phone in the room. Hmm. So we called the police. How did you manage to open yourself then? No, no, it was not that key, it was so firm or anything like yeah, that. Yeah, yeah. And uh, we called the police and they were there for five minutes. You must have been very relieved when they finally left. Absolutely. I mean, the first thing I did was I went to the hall. They took us to the hospital. I went outside the hospital, just hummed a few notes. I said, okay, I can sing. <laughs> <laughs> do you remember the notes you hummed? No. <laughs> <laughs> Did you talk to your wife? Yeah, the first thing I said is, let me talk to her, my wife and um, felt relieved of that, seeing that. You know. Does it, do you feel in any way uh, changed after this incident? No. When you say second life. Second life in the sense, I did see some imminent, very fatal danger to me could have happened. And it crossed my mind yeah, I man, they could kill us. Yeah. That way I'm saying. But I would say that uh, what has changed in me is that uh, I could be violent. You could be yourself. Yes. Because I have seen merciless kind of hate coming from another human being on me yeah. like I've seen that before. Right. I get angry. Yes. Like frustration. Yes. Who is inside? What do you mean? No reason. No reason. And that on me. Why? Why? That aspect, Yeah. A lot of, I lost a lot of jewellery but I'm back wearing jewellery. I mean they're not going to change <laughs> My, I mean.

जी आपको लग रहा है कि वो आपके प्रोफेशन को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे प्रोफेशन तो पता नहीं मगर म्यूजिकल तो है मैं सिखाऊंगा उनको हुँ. क्योंकि मेरे ख्याल से अगर संगीत आप इफ इफ यू स्टार्ट लर्निंग म्यूजिक आप अप्रिशिएट कर सकते हैं संगीत को जी यू कैन बिकम वेरी गुड लिस्नर बट यू आर ऑल्सो चाइल्ड म्यूजिकल हाउस होल्ड इन टू इट नेवर फोर्स इन टू इट तो आपके बच्चों का शौक शौक है उनको भी मेरे ख्याल से उनको बिठाना पड़ेगा क्योंकि आजकल इतने मतलब uh, 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 अलग, अलग, know, अलग, अलग अलग uh, you know,

आजकल ग्राउंड में कोई आता ही नहीं बच्चा सही बात बच्चे आ जाते हैं स्कूल से सीधा टीवी रूम। यूट्यूब कार्टून सीधो कार्टून <laughs> <do most cartoons? laughs> <laughs> तो मतलब अनलाइक योर की मतलब आपकी मम्मी ने तो आपको बिठाया नहीं लेकिन इनकी मम्मी तो बिठाएंगे शायद फिर हाँ और मुझे भी बिठाना पड़ेगा थोड़ा क्या है कि

Yeah, मैं, ये मैं, <coughs> मतलब, uh, चाहूंगा कि वो सीखे hmm. क्योंकि उनके अंदर है सुर और ताल है Apti और बहुत ye, मुश्किल से मिलता है आपको महसूस हो रहा है haan, वो गाते हैं ऐसे Achha. मतलब थोड़ा बहुत गाते हैं तो वो दो चीजें हैं एंड वाई नॉट इट विल एनरिच देर लाइफ तो आपकी वाइफ जो है इट इज मैटर ऑफ वो तो ये हैव कॉल एन अरेंज्ड मैरिज Then you cannot necessarily arrange all the, uh, I mean, the horoscope may be arranged, but right. the paper <laughs> may not be arranged. So sometimes marriage is an impediment to your career. Yes. A wife can support you or she can uh, suggest to you other ways of living your life. Right, right. How does it work with you now? Now it's. ब्लिस वेल <laughs> well. मुझे मालूम है कि वो सुन रही है कहीं पे तो इसलिए आपको ऐसा कुछ कहना पड़ेगा ओके okay. लेकिन चलिए फिर मैं आपसे पूछ लूंगा जी. कि आपके तो देखने में तो आपने कुर्ता बड़ा ट्रेडिशनल पहना है जी. लेकिन मुझे लग रहा है कि चोटी जो आपने लगाई है हाँ जी. वो शायद आपके बच्चों पे या आपकी वाइफ पे जचे बट आप क्यों लगा रहे हैं ये चोटी आ, ये फैशन नहीं है मेरे लिए ये ये दो ढाई तीन साल पहले आई स्टार्ट ग्रोइंग दिस और सच मानिएगा आई एम नॉट जोकिंग इट गिव्स मी कन्विक्शन आई एम आई रिस्पेक्ट दैट बट इट गिव्स मी मे कन्विक्शन इट हैज मी टू अच्छा यस ये आपको जरा समझाना पड़ेगा इट्स जस्ट अ फील इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन माई इट्स लाइक एनर्जाइजिंग इट एनर्जाइसिस मी My uh, conviction to do things, my execution—it uh, has helped me. Do you feel that it this it gives you a greater focus on your artistic? Yes. Image? Yeah. It's it's yeah. You use the right term. I was just searching for it. It's a focus. There's definitely a much clearer focus and a sharper focus. But does your family share that focus? Ah. They were upset about it. <laughs> <laughs> no, but this explanation, I mean, no, you I like, mean it, it holds good for You me. know, like my s second son, Karan, he gets the crew cut. Both of them <laughs> get the crew cut, you know. And my wife is very strict about it. Uh -huh. I tell my wife, <laughs> No, 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 they're going to school. Cut, 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 cut. <laughs> so one day we were going in the car, and hmm. I was sitting in the front, and my uh, ponytail was hanging, and he was playing with this. डैडी तुम्हेंगे अंगूठी इनफैक्ट आजकल फैशन ही नहीं है लॉन्ग हेयर इट्स मोर ऑफ यू नो वेरी वेरी शॉर्ट हेयर माई वाइफ सेबल कट यूर हेयर बट मैं देख रहा हूँ हाँ राइट आपने उनसे कुछ ऐसे एक वाइब्रेशंस मिली आपको नहीं नहीं मैं उनसे पहले रखा था अच्छा ही कैप इट मच लेटर ऑन एंड गॉट इज मुझे नहीं लगता की कोई और गजल <laughs> <laughs> मेरा ये कहना है की आप कुछ भी कर लो भाई मगर जब गाते हो सुर में गाओ फोनी रख लो सौ ग्राम आप कोई आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा रिग्रेट रहा हो कि काश मैंने ऐसे किया होता या वैसे किया होता uh, या कुछ ऐसे मेरी जिंदगी में होता है मैंने इसको ये नहीं देखा वो नहीं देखा अभी तक नहीं मेरे ख्याल से आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरी लाइफ में एक ही स्ट्रगल रहा है I had a conviction about music, hmm. about a style, hmm. a conviction about myself. Yes. And uh, I think God has been very kind to me, showing the day that, okay, you were right. And uh, I don't, I don't think I have any regrets about life. No? And what now? What does the future hold? What now? You'll get a lot of Hariharan. <laughs> <laughs> we love that and we really enjoy that much more of Hariharan. Not only the ponytail ghazal but the music <laughs> of a piano. What is what would you call that? Uh, the uh, the uh, what would you call yourself today? Uh, a singer. A singer. <laughs> a singer. Just a singer in uh, singing different styles of of good music. Great, Hari Hariharan for you. थैंक यू थैंक यू राइट आपको क्लासिकल संगीत में ट्रेनिंग मिली थी फिर भी आप गजल में या मॉडर्न फ्यूजन में चले गए यू बिजेन विथ क्लासिकल म्यूजिक हाउ कम यू मूव डाउन टू पॉप म्यूजिक एंड टू गजल म्यूजिक आपको अपने पहले फिल्म का गाना याद है गजल सिंगिंग में आपने क्या खासियत लाई व्हाट वॉज योर स्पेशलिटी एज अ गजल सिंगर डू यू रिमेंबर द सॉन्ग यू सैंग इन योर फर्स्ट फिल्म आप स्टेज प्रोग्राम देने के लिए टेम्परमेंटली सुटेड हैं आई यू टेम्परमेंटली सुटेड टू गिव अ स्टेज परफॉर्मेंस यू नो एन एक्सट्रो वर्ड पर्सनैलिटी आउटवर्ड बट जो शास्त्रीय संगीत गाता है क्या वो एक फिल्म का संग, जो शास्त्रीय संगीत गाता है क्या वो एक फिल्म का गाना भी ठीक से गा सकता है कैन समी हुड इन क्लासिकल म्यूजिक सिंग अ फिल्म सॉन्ग वेल एंड एटीट्यूड्स डिफरेंट इन दोनों चीजों में शख्सियत बिल्कुल अलग नहीं है क्या हाँ. फिल्मों में आपने गाना कैसे शुरू किया How did you begin filming? How did you begin singing in films? Where did you get your first break in Ghazals? What is your style of singing? Apka style kya as a singer. What is the USP of your singing? USP. Unique selling point. वॉट इज द यूएसपी ऑफ योर सिंगिंग यानी यूनिक सेलिंग प्वाइंट आपके गाने में कलोनियल कजन्स ये जो आपके लेटेस्ट एल्बम है उसका आइडिया कहां से आया हाउ डिड यू गेट द आइडिया ऑफ कंबाइनिंग क्लासिकल म्यूजिक विद मॉडर्न वेस्टर्न फ्यूजन आपके कलोनियल uh, कजन्स का जो एल्बम है उसका आइडिया आपको कैसे आया इट्स अ वेरी डिफरेंट आइडिया वेरी डिफरेंट साउंड कभी आपको लगा कि शायद फिल्म संगीत में आप सफल नहीं होंगे